ये भी गोट फार्म है और मैं अभी गोट फार्म का ओनर हूँ, मैं आपको विजिट कराता हूँ उसकी, आ जाओ। पहले बाहर से बता देता हूँ मैं, बाहर बाहर बाद में ऊपर से दिखा देंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले हमने इसकी चारों तरफ की बाउंड्री कराई, उसके बाद इसमें शेड बनाया, और बाउंड्री और शेड बनाने के साथ साथ इनके रूम बने सारे, लेबर रूम है, कुछ स्टोर रूम है, और उसमें लगभग कॉस्टिंग जो आई है हमारी वो 15 से 20 लाख रुपए की आई है। तो सर 15 से 20 लाख रुपए मतलब किन किन चीज़ों पे आपके आए हैं अब तक? एक तो इसकी पूरी चारों तरफ की बाउंड्री हुई है, रूम्स बने हैं, अच्छा, चार पांच रूम्स हैं, और ये 70x30 का जो है शेड है, और ये फ्लोर वाला शेड है इसलिए खर्चा ज़्यादा आया इसके अंदर, वुडन फ्लोर है। तो सर वुडन फ्लोर का फ़ायदा क्या था मतलब कि? वुडन फ्लोर का फ़ायदा ये है कि वो किसी भी मौसम में बकरी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती वुडन फ्लोर पर। वुडन फ्लोर हाँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें बरसात में आती है, लेकिन बरसात में वुडन फ्लोर से समस्या बहुत कम हो जाती है। जो बीमारी बरसात में आती हैं वो बीमारी जो है वुडन फ्लोर पे कम आने की चांसेस हैं। सर वुडन फ्लोरिंग एक्स्ट्रा कितना खर्चा आ जाता है मतलब कि अगर उसके मुकाबले देखें तो कितना एक्स्ट्रा आ गया होगा वुडन फ्लोरिंग के उस पर? वुडन फ्लोर में जो है, जो केवल वुडन फ्लोर बनाया है हमने, उस पर 1.5 लाख रुपये का खर्चा है। 1.5 लाख का खर्चा? हाँ सर। दूसरी चीज़ें और बताइए कि जैसे कि आपने ये जो यहाँ पे शेड नेट लगाया हुआ है हरे कलर में, ये किस वजह से लगाया हुआ है और आपने ऊपर क्यों बनाया है? मतलब कि वुडन फ्लोरिंग आप नीचे करा सकते थे, फिर आपने ऊपर क्यों वुडन फ्लोरिंग कराया? एक बार आप वुडन फ्लोरिंग अंदर जाके हम देख लेते हैं एक बार। आइए। ये है वुडन फ्लोरिंग। ये सर आपने जो वुडन फ्लोरिंग बनाया है ये ऊपर आपने इतना ऊपर क्यों बनाया? आप एक फीट पर बना सकते थे, इतना ऊपर आपने ये ऊपर इसलिए बनाया कि नीचे जो इनकी मैंगनी है, जो ये मैंगनी करती हैं, इन्हें नीचे से निकालने में जिसमें दिक्कत ना हो, दिक्कत ना, जिससे कि आराम से नीचे साफ हो जाए, इसलिए इसे थोड़ा हाइट बनाना पड़ा। और हमने इसमें जो है नीचे की साइड कुछ मुर्गियाँ भी डाली हुई हैं, वो मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर कि अगर जो वो हमारा जो ये है मतलब मुर्गियों का भी इसमें हमने डालने की कोशिश करी है कि अगर जो चल गया तो दोनों काम एक साथ आएंगे, बकरियों का भी और मुर्गियों का भी। सर आप हमें ये बता दीजिए कि और जो आपने ये ऊपर शेड डाला हुआ है ये किस तरीके का शेड है, और आपको टीन का डालना है या शेड आपको जैसे ये तो यहाँ पे सीमेंट का शेड है जी, तो सीमेंट का शेड अच्छा रहेगा या कैसा शेड अच्छा रहेगा? सीमेंट वाला ही सही रहेगा, और जो टीन वाला, टीन की चादरों वाला होता है वो गर्मियों में ज़्यादा तपता है और सर्दियों में ज़्यादा ठंडक होती है उसमें। सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है पूरा, इस स्ट्रक्चर को आप बता दीजिए कि स्ट्रक्चर कितने बाई कितने का है ये, और ये इनके जो रखे गए हैं सबके, जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसका एक साइज़ अलग है और इसका एक साइज़ अलग है, सबका अलग अलग साइज़ है। हाँ ये सबके केबिन बनाए हुए हैं अलग अलग। ये 8 केबिन है हमारे इसमें, ये वाला जो केबिन है इसमें केवल ब्रीडिंग बॉक्स ही है हमारे, जिन्हें अंडवे बकरे कहते हैं वो इसमें हैं, और बाकी जो और हैं कुछ ब्लॉक्स में बकरियां हैं, कुछ में केवल बच्चे बच्चे हैं, और कुछ में और बाकी में खस्सी बकरे हैं। तो इसका साइज कितने बाई कितने का बताया सर आपने? ये 70x30 का है। नहीं नहीं, इन छोटे ब्लॉक्स का साइज कितने बाई कितने रखना? अच्छा ये 6x10 का है, और कुछ इसमें 10x20 के हैं, और बाकी 10x10 के भी हैं। 10x10 के। आपका टोटल 15 लाख खर्चा पूरे इसके अंदर आया बनाने के लिए। जी 15 में 1.5 लाख आप फ्लोरिंग का बता रहे हैं, और बाउंड्री भी आपने किया, 2 कमरे टाइप में आपने बनाए, और मेन ये जो लोहे का वर्क है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ा है, इसके अंदर ज़्यादा लोहा लगा हुआ है। ये इसकी कॉस्ट क्या है सर लोहे के वर्क? तकरीबन कितना हो गया? हमने जो इसका पूरा टोटल जोड़ा था वो लमसम 15 लाख से 16 लाख के बीच में बैठ रहा था। उसमें लोहा भी है, चादरें भी हैं, और ये कंस्ट्रक्शन का सारा काम भी है, बाउंड्री वॉल भी हैं, पूरी फेंसिंग हुई भी है, फेंसिंग भी है उसके अंदर, ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर।
और क्या क्या चीज़ें सर? और ये थोड़ा कॉस्टली इसलिए भी पड़ा क्योंकि नीचे भी पूरा पूरा जो ये फ्लोर है ये लोहे पे ही टिका हुआ है। अच्छा, तो उसमें नीचे भी बहुत लोहा लगा हुआ है। मेन कॉस्टिंग आपकी लोहे की? लोहे में और इसमें है सर। और कुछ स्पेशल चीज़ आप इस शहर के अंदर हमें बताना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे जो आपने की हुई है या किसान भाई कोई करे इसे जी, तो वो ध्यान रखे, वो हमें दिखा दीजिए। आइए, इसके अंदर एक तो हर केबिन के अंदर अपना अलग पानी का सिस्टम है, अलग से कुछ नहीं डालना, अपने अपने केबिन में सबका अपना सेपरेट अलग पानी की व्यवस्था है। देखिए ये वाला मेंढे वाला है, ये इसमें मेंढे हैं, ये इसका पानी का भी अलग, अपना सबका अलग अलग है। और इन फ्यूचर अगर जो जैसे इस वाले इसमें मेंढे कुछ भेड़ ओवर आई और जो उनके बच्चे भी हो गए, और बच्चों के लिए अलग छोटे केबिन बने हुए हैं हर एक केबिन में, छोटे बच्चों के लिए जी, क्योंकि हर टाइम दूध पीने से जो भेड़ है या बकरी है उसकी सेहत पर फ़र्क पड़ता है। जैसा कि हमने इसमें अभी कुछ दिनों हफ्ता 10 दिन पहले भी आई हुई बकरियां हैं ये और उनके बच्चे हैं, ये परमानेंट 24 घंटे आपका दूध ना पीती रहे। जी जी, दिन में 2-3 बार, दिन में आप टाइमिंग से दूध पिलाने जी जी अलग सर। और ये जो आपने बनाया हुआ है ये खाने के लिए? ये फीडिंग ट्रे है। अच्छा, ये देखो ये फीडिंग ट्रे है और स्टॉल फीडिंग में है हमारा टोटल, बाहर चढ़ने हमारी कोई बकरी बच्चा बाहर नहीं आता। और सब के लिए आपने पंखा भी यहाँ पर लगाया? पंखे भी हैं, एग्जॉस भी हैं, ज़्यादा गर्मी में एग्जॉस भी काम करते हैं यहाँ पे, और हर केबिन में अपना अलग पंखा भी है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पूरा आपको मैंने बताया। और कोई भाई अगर जो इसकी ट्रेनिंग या कोई जानकारी लेना चाहता है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ अपना, वो फ़ोन पे पूछ सकता है। 962 नंबर बता रहा हूँ मैं अपना, 9627971001। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक आप ये वीडियो शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यह चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिना बेल आइकन दबाए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और अगर कोई नई वीडियो डलेगी तो आपको वो पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।